Hey guys, hi, welcome back to my channel. This is me, Shiny. आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी कुछ टेक आइटम्स जो मैंने स्पेशली अपने हनीमून के लिए परचेज किया है, क्योंकि मुझे वहाँ पर फुल व्लॉग करना है एंड मुझे कुछ अच्छे खासे पिक्चर्स क्लिक करनी है, रील्स बनानी है. सो उसके लिए मुझे कुछ अच्छे सेटअप की ज़रूरत थी. आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो सारे टेक आइटम्स जो मैंने स्पेशली परचेज किए हैं इस ट्रिप के लिए, और मैं अपने साथ उन्हें कैरी भी करने वाली हूँ. सो आप इस वीडियो को पूरा देखिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. सो अगर आपको नहीं पता तो मैं इस्तेमाल करती हूँ कैनन 200D मार्क II DSLR कैमरा. तो ये जो DSLR कैमरा है इसमें मेरे पास दो लेंस है, एक है नॉर्मल लेंस जो कि किट लेंस है और दूसरा है एक जूम लेंस विच इज वेरी वेरी गुड. ये जो जूम लेंस है ये 55-250 mm की है. इस जूम लेंस से ही मैं अभी शूट कर रही हूँ एंड ये कैमरा मेरे लिए तो एक प्राइज्ड पोजेशन है, क्योंकि मेरी दीदी ने मुझे ये गिफ्ट किया था, मेरे पापा ने भी काफ़ी हेल्प की थी. सो मेरे घर वालों की तरफ से ये कैमरा मुझे गिफ्ट था. सो ये कैमरा मैं कैरी करने वाली हूँ अपने साथ, लेकिन इसके साथ जो मेमोरी कार्ड मुझे परचेज करना पड़ा था जब मैं बाय करने गई थी इसे, बाय द वे इसको जब मैं परचेज करने गई थी तब मैंने एक प्रॉपर व्लॉग बनाया था और एक अनबॉक्सिंग का भी व्लॉग बनाया था, तो वो मैं आई बटन पर लिंक कर दूंगी. मेक श्योर यू चेक दैट वीडियो फर्स्ट. जो मेरा मेमोरी कार्ड है ना वो 16 GB का है, जो कि इनफ नहीं है, क्योंकि हम लोग पूरा पूरा दिन ट्रैवल करेंगे और सब कुछ मुझे कैप्चर करना है, पिक्चर्स, वीडियोस, व्लॉग्स के लिए, शॉर्ट्स के लिए, रील्स के लिए. तो काफ़ी सारे फुटेजेस होंगे, जो कि 16 GB इज नॉट एट ऑल इनफ, स्पेशली इस जूम लेंस से. अगर मैं एक पिक्चर भी क्लिक करती हूँ तो वो 25 MB का आता है. तो मैंने एक 16 GB का मेमोरी कार्ड परचेस किया है और एक 64 GB का, क्योंकि मुझे लगा था कि पहले 16 GB में काम चल जाएगा, बट वैसा नहीं हुआ. तो इसीलिए मैंने सैंडिक्स का जो ये 64 GB है ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है, जिसमें मैं अभी शूट कर रही हूँ, बट इसका जो लुक है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी डेफिनेटली. तो ये दो मेमोरी कार्ड्स मैंने परचेस किए हैं और मेरे पास एक था ऑलरेडी 4 GB का मेमोरी कार्ड, लेकिन उसे मैं कैरी नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे इस कैमरे में सिर्फ 10 मिनट के वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है उस 4 GB मेमोरी कार्ड से. अब देखिए, बैटरी बैकअप एक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है मेरे लिए, क्योंकि इस ये जो कैनन के साथ जो बैटरी आता है ना ओरिजिनल, तो ये बैटरी मुझे लगभग 45 मिनट्स का मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग देता है, बट उससे ज़्यादा मुझे चाहिए बैटरी बैकअप. तो इसीलिए मैंने सोचा था पहले कि मैं ओरिजिनल कैनन का ही बैटरी लूँगी, बट दैट वॉज हेल एक्सपेंसिव. लेकिन उससे हाफ प्राइस में मुझे दो बैटरी एंड एक चार्जर भी मिल गया फ्रॉम द ब्रांड डिजीटेक. मैंने काफ़ी रिसर्च की एंड आई केम टू नो अबाउट द ब्रांड डिजीटेक के. मैं एक ट्राईपॉड भी इस्तेमाल करती हूँ, जो कि प्रोफेशनल बड़ा वाला ट्राईपॉड होता है, वो अच्छा चलता है. सो द ब्रांड इज़ गुड, मैंने पहले भी इस्तेमाल किया है. सो आई थॉट लेट मी गिव इट अ शॉट, अगर काम कर गया तो मेरे लिए ही बेनिफिशियल है. सो उस बैटरी को ही मैं आज चेक कर रही हूँ, मैंने उसे फुल चार्ज कर लिया है एंड मैं अभी बैक टू बैक सुबह से मैं 3-4 वीडियोस मैंने ऑलरेडी शूट कर लिया है एंड द बैटरी इज गोइंग वेल ओनली. आपको 200D के लिए लेना है ये LPE17 बैटरी. जब किसी भी बैटरी में LPE17 अगर ना लिखा हो तो वो कैनन में फिट नहीं आएगा. सो नेक्स्ट मेरे पास एक और टेक आइटम है, जो कि मैंने स्पेशली इस ट्रिप के लिए मैंने नहीं खरीदा है, ये मेरे पास बहुत पहले से है. जब मैं वर्क फ्रॉम होम में होती हूँ अपने न्यूज़ प्रोफेशन में, जब मैं अपने ससुराल में जाती हूँ, तब मैं घर से ही काम करती हूँ, यू नो, वॉइस ओवर्स देना एंड न्यूज़ के लिए कुछ काम. तो मैं ये वाला जो बोया का लैपल है, माइक है, ये मैं इस्तेमाल करती हूँ एंड ये मैं पहले अपने वीडियोज़ बनाने के लिए मैंने परचेज किया था, बट अभी ये सिर्फ मेरे न्यूज वाले काम में ही आता है, क्योंकि इसमें ये जो फंक्शन है ना, यहाँ पे दो सेटिंग्स है, एक है आप कैमरा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं DSLR में, और दूसरा है आप मोबाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये जो कैमरा वाला DSLR वाला फंक्शन है ये उसका काम करना बंद कर दिया. आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद इट, लेकिन ये खराब हो चुका है. सिर्फ जो स्मार्टफोन वाला फंक्शन है वही काम करता है. नेक्स्ट टाइम जो मोस्ट इसेंशियल एक चीज है वो है ट्राईपॉड. काफी सर्च करने के बाद मुझे अमेजोन पे मिला ये वाला बहुत ही क्यूट सा एक ट्राईपॉड. इट कैन एडजस्ट एनी काइंड ऑफ एंगल, क्योंकि आप इसे इस तरह से बेंड भी कर सकते हैं, आप इसे इस तरह से बेंड कर सकते हैं, आप इसे कहीं पर इस तरह से, यू नो, एक हुक
डालकर कहीं पर अटैच भी कर सकते हैं। सो ये ट्राईपॉड काफ़ी यूजफुल है क्योंकि मैं इसे अपने हिसाब से बेंड कर सकती हूँ, अपने हिसाब से एंगल चेंज कर सकती हूँ। बट दिस इज़ ओनली फॉर DSLR कैमरा। यहाँ पर आपको एक पिन मिल जाएगी जहाँ पर आप अपने DSLR को कनेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ क्वाइट स्टर्डी। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। सारे परचेजिंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, लेकिन कैनन मैंने अपने लोकल स्टोर से खरीदा था उसका मैं लिंक नहीं दे सकती, उसके लिए आपको मेरा वो व्लॉग चेक करना पड़ेगा। So that's it for today's video. I hope you all have enjoyed this video. Video pasand aaye then don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye.